जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का तरीका है, मैं यहाँ पे CMD लिखता हूँ और ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं कौन से ड्राइव में हूँ। अभी हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, VCS PC करके। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर सी ड्राइव में जाना है। अब यदि मुझे यहाँ पर सी ड्राइव में जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं यहाँ पर करता हूँ CD/। आप कहीं पे भी हो, आपको रूट में जाना हो, आप CD/ लिखो, आप यहाँ पर रूट में पहुँच गए। अब मान लो मुझे ई ड्राइव में आना है, मैं यहाँ पर ई में आ जाता हूँ। यदि मुझे सी ड्राइव में आना है, मैं यहाँ पर सी में आ जाता हूँ। अब मान लो मैं ई ड्राइव के अंदर आता हूँ और ई ड्राइव के अंदर मुझे एक फोल्डर बना के, अक्सर मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपना एक फोल्डर बनाया करें और उस फोल्डर बना के आप काम करें। तो आप लोग क्या करते हो, जब फोल्डर बनाने की बारी आती है तो यहाँ पे जाते हो, राइट क्लिक करते हो, न्यू करके आप अपना फोल्डर बना लेते हो। आप बड़े स्मार्ट लोग हो। अब हम ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे। अब यदि हमें फोल्डर बनाना है तो इतना हम माउस वगैरह टच करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर बोलता हूँ MD मतलब मेक डायरेक्टरी। हमें डायरेक्टरी बनाना है। किस नाम से डायरेक्टरी बनाना है, सपोज मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ एजाइल के नाम से और मैं यहाँ पे कर देता हूँ CD Azile। अब यदि मैं यहाँ पे ई ड्राइव में जाके देखूँ तो हमारा एक यहाँ पे डायरेक्टरी बन के आ गई होगी। ये देखो यहाँ पे एजाइल करके एक डायरेक्टरी बन के आ गई है और इस डायरेक्टरी अभी हमारा खाली है, एम्प्टी है बिल्कुल, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने जो यहाँ पे लिखा है CD, तो MD होता है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, MD। जिसको मैं डायरेक्टरी बोल रहा हूँ उसको आप लोग फोल्डर बोलते हो, एक ही चीज़ होती है। विंडोज में उसको हम फोल्डर बोलते हैं और DOS के अंदर हम उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। तो मैंने फोल्डर बना दिया Azile और उस फोल्डर के अंदर आने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा CD Azile। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, Azile के अंदर दो फोल्डर बनानी है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ MD संतोष। एक तो आपने यहाँ पे संतोष बना दिया, फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ MD मनोज। आपने यहाँ पे मनोज बना दिया। अब Azile फोल्डर के अंदर यदि तुम आके यहाँ पे देखोगे तो Azile के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा यहाँ पे संतोष और एक होगा यहाँ पे मनोज। अब मैं यहाँ पे संतोष और मनोज के अंदर भी फोल्डर बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं संतोष के अंदर बनाना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ CD संतोष। संतोष के अंदर मैं आ गया और संतोष के अंदर मुझे यहाँ पे फिर से एक फोल्डर बनाना है, मैं बोलता हूँ MD पाइथन। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाइथन के जितने भी प्रोग्राम हैं वो इस फोल्डर के अंदर सेव हों। तो मैंने Azile के अंदर, संतोष के अंदर पाइथन हमारा फोल्डर है। अब मैं यहाँ पे CD करता हूँ और पाइथन में जाता हूँ। अभी मैं देखता हूँ ये हमारा, तो अभी हम यहाँ पे कहाँ पे हैं, हम ई ड्राइव के अंदर, Azile के अंदर, संतोष के अंदर, पाइथन में। अब मान लो मुझे यहाँ से वापस आना है, एक स्टेप बैक होना है, तो एक स्टेप बैक होने के लिए हम बोलते हैं CD double dot। फिर एक स्टेप बैक होना है, CD double dot। और कहीं से भी पूरा बैक होना है तो हम बोलते हैं CD/। कहीं से भी पूरा बैक होना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे था, यदि मैं यहाँ पे CD/ कर देता तो सीधे मैं ई ड्राइव में आ जाता। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, MD मतलब मेक डायरेक्टरी। अब मुझे जाना है कहाँ पे जाना है, मुझे Azile के अंदर मनोज में जाना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ CD, मुझे कहाँ जाना है, Azile के अंदर, और Azile के अंदर कहाँ जाना है, मनोज। मैं एक साथ डायरेक्टरी के अंदर आ सकता हूँ, ये देखो आ गया। अब मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ MD और मैं यहाँ पे MD बोलता हूँ जावा, ठीक। अब मैं यहाँ बोलता हूँ CD जावा, तो अब आपने यहाँ पे जावा का फोल्डर बना दिया। और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ ई ड्राइव के अंदर यहाँ पे देखो Azile है। Azile के अंदर यहाँ दो फोल्डर है, एक है संतोष और एक है मनोज। मनोज के अंदर यहाँ पे जावा है, जावा में अभी जावा के प्रोग्राम्स आएंगे, तो अभी फिलहाल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। और यहाँ पे हमारा संतोष है, संतोष के अंदर पाइथन है, पाइथन के अंदर यहाँ पे पाइथन के प्रोग्राम आएंगे। तो ये हमारा, इस तरह से हम लोग फोल्डर के अंदर जाते हैं या फोल्डर के अंदर हम पहुँचते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं, कमांड विंडो यूज कर लेते हैं, तो हमारा काम करने का स्पीड थोड़ा सा तो बढ़ ही जाता है। आप माउस से आते हो, क्लिक करते हो, एक एक करके जाते हो, सब बेहतर है CD MD करके आप पहुंच जाओ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ से CD double dot/double dot टू स्टेप बैक। ये देखो मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया, मनोज से बाहर निकल गया। तो दो स्टेप बैक करने के लिए हम बोलते हैं CD double dot/double dot। इसी तरह से यदि हमें रूट में आना हो तो हम बोलते हैं CD/ और एक स्टेप बैक होना है तो हम बोलते हैं CD double dot। यदि हमें किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं CD, ठीक। अब मैं यहाँ पे संतोष के अंदर आता हूँ, पाइथन के अंदर जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ CD
/Santosh/Python, ठीक। तो अब मैं यहां पे पाइथन के अंदर यहां पे आ चुका हूं। अब मैं यहां पे संतोष के अंदर, तो एक ही बार में देखो, मैंने यहां पे एक ही बार में लिखा सीडी Santosh/Python, तो ये संतोष के अंदर, ये हमारा पाइथन फोल्डर के अंदर यहां पे आ गया। तो हमें जो यहां पे ध्यान रखने वाले कमांड है हमारे पास, वो है एमडी, एमडी मतलब मेक डायरेक्टरी, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। सीडी में कई सारी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आना हो सीडी सीडी करके आप आ सकते हो। सीडी स्लैश करोगे तो आप रूट में आ जाओगे, सीडी डबल डॉट करोगे तो वन स्टेप बैक हो गए, और सीडी डबल डॉट स्लैश डबल डॉट करोगे तो आप सीधे ई ड्राइव में आ जाओगे। अब मैं फिर से ई ड्राइव में आ जाता हूँ। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे मुझे देखना है, मान लो मैं यहाँ पे पाइथन के अंदर हूँ, अब मेरे पास बहुत सारे फाइल्स हैं, मुझे देखना है कि मेरा फाइल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, तो आप dir कमांड लगा के देख सकते हो। dir होता है डायरेक्टरी देखने के लिए, इसने मुझे पूरा लिस्ट बता दिया कि मेरे पास कौन कौन से फाइल हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि इतनी सारी फाइल्स हैं, मुझे सर्च करना पड़ रहा है कि कौन सा फाइल है, और पहली चीज, दूसरी चीज ये स्क्रॉल कर जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ dir/w। ये देखो, अब ये चीज़ें जो है मेरे सामने एक साथ अवेलेबल है, लेकिन अभी भी मुझे समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा फोल्डर है, ये हमारा देखो यहाँ पे फोल्डर है, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे फोल्डर है, ये हमारा यहाँ पे फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये हमारा फोल्डर है, और ये सारे हमारे फाइल्स हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे मान लो केवल फाइल्स देखना है या मुझे केवल फोल्डर देखना है। तो केवल यदि फोल्डर देखना है तो मैं बोलता हूँ dir/ad मतलब एट्रीब्यूट डायरेक्टरी। ये देखो, ये खाली डायरेक्टरी दिखा रहा है मुझे, ये दिखा रहा है नहीं कौन सा डायरेक्टरी है। यदि मान लो मुझे यहाँ पे सारे फाइल्स के बारे में देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, dir/a-d, ये केवल फाइल्स के बारे में बताएगा। ये देखो, ये हमारे फाइल्स है, लेकिन ये स्क्रॉल कर जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये स्क्रॉल करे, क्योंकि ये पेज वाइज शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, dir/ad/w। ये देखो, w का मतलब होता है विड्थ वाइज, a-d का मतलब ये उन सारे फाइल्स को दिखाएगा। यहाँ देखो डायरेक्टरीज नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं, सारे हमारे फाइल्स आ रहे हैं। बात समझ में आई? तो ad का मतलब एट्रीब्यूट डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी है उसको दिखा दो। a-d का मतलब एट्रीब्यूट, जिसका डायरेक्टरी ना हो आप वो दिखा दो। तो जो एट्रीब्यूट हमारा डायरेक्टरी नहीं है वो दिखा रहा है, तो वो यहाँ पे इसने हमें फाइल्स का लिस्ट दिखा दिया। तो ये हमारे dir कमांड है, dir कमांड का यूज करके हम लिस्टिंग करके देख सकते हैं। अब मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल देखना है, मुझे पता है कि मेरा फाइल का नाम जो है, यार पता नहीं, मैं मुझे लगता है कोई डॉट सिक्वल करके फाइल है, तो मुझे देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा, dir *.sql, ये सारा वो फाइल दिखा रहा है जिसकी एक्सटेंशन डॉट सिक्वल है। मुझे याद तो आ रहा है कि मेरा जो फाइल है वो डी से स्टार्ट हुआ था, और डी के बाद क्या है पता नहीं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ dir *.sql, मतलब जो डी से स्टार्ट हुआ हो और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हो। ये देखो, दिखा रहा है ना मेरा फाइल का नाम क्या है, demobald.sql। तो आप इस तरीके से, मुझे मान लो यहाँ पे देखना है वो सारे फाइल जो पी से स्टार्ट हुआ, तो मैं यहाँ बोलता हूँ p*.sql। ये देखो, जितने भी फाइल पी से शुरू हुए हैं वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर फाइल्स को भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे देखना है मेरा ये कोई पाइथन फाइल तो नहीं है, dir/start.py, नहीं यहाँ पे अभी कोई पाइथन फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे फाइल्स हैं, ये जितने भी पी वाले फाइल हैं या जितने भी ये सिक्वल वाले फाइल हैं, इन सारे सिक्वल वाले फाइल को उठा के मैं संतोष के अंदर जो हमारा फोल्डर था पाइथन, उसमें डालना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये सिक्वल के फाइल हैं, ये उठ के संतोष फोल्डर के अंदर जो आपने पाइथन फोल्डर बनाया था उसमें मैं कॉपी कर दूँ। तो एक तो तरीका ये है कि यदि मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई एक काम करो कॉपी कर दो, तो तुम लोग आओगे यहाँ पे, यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से एक एक करके फाइल को सेलेक्ट करोगे, ये रहे सारे हमारे फाइल, इनको आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप माउस पे राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, फिर तुम संतोष के अंदर जाओगे, फिर उसको पेस्ट करोगे। भाई मेरे इतना टाइम थोड़ी है, आप यहाँ पे सीधा कमांड लिखो, मैं यहाँ बोलता हूँ कॉपी, कॉपी करना है किसको, *.sql सभी फाइल को, सोर्स, और टारगेट कहाँ पे होगा, तो मेरा टारगेट होगा ई के अंदर, कौन सा, संतोष के अंदर कौन सा फोल्डर, पाइथन। तो ई के अंदर, संतोष के अंदर पाइथन फोल्डर के अंदर मैं सबको कॉपी कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, द सिंटेक्स ऑफ द कमांड इज इनकरेक्ट, सही बात है। अब स्लैश उल्टा लगाओगे तो इनकरेक्ट नहीं देगा,
ये देखो, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। ई के अंदर संतोष के अंदर पाइथन नहीं है क्या? सही बात है ही नहीं, एजाइल था ना भाई हमारा, ई के अंदर एजाइल था, एजाइल के अंदर संतोष था और संतोष के अंदर पाइथन। ये देखो सारा फाइल इसने कॉपी कर दिया, कॉपी स्टार डॉट सिक्वल ई कॉलम स्लैश एजाइल स्लैश संतोष स्लैश पाइथन। मैंने कॉपी कर दिया सारे फाइल्स को कहाँ पे? ई के अंदर, एजाइल के अंदर, संतोष के अंदर, पाइथन के अंदर। ये देखो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ई ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव के अंदर हमारा जो फोल्डर बना था वो कौन सा बना था? एजाइल। यहाँ पर बना संतोष, संतोष के अंदर ये पाइथन, और पाइथन के अंदर ये पूरा फाइल कॉपी हो गया। आ गया ना? अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो सेम फाइल है यहां से उठा के मैं मनोज वाले जावा फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉपी, कॉपी कहाँ से कॉपी करना है? ई कॉलन स्लैश एजाइल स्लैश संतोष स्लैश पाइथन स्लैश स्टार डॉट सिक्वल कॉपी करना है। और कहाँ पे कॉपी करना है? टारगेट ई कॉलन स्लैश एजाइल स्लैश मनोज स्लैश जावा। हो गया, मैंने सारा फाइल कॉपी कर दिया, यानी कि यहां से मैंने उठाया और इस फाइल को मैंने कॉपी कर दिया कहाँ पे? मनोज के अंदर, जावा के अंदर। ये देखो मैंने यहाँ पे ई ड्राइव में आना है और ई ड्राइव में एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर वो सारे फाइल मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम लोग लंबा चौड़ा कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा ध्यान रखना है सोर्स देना है और हमें टारगेट देना है किस फाइल को कॉपी करनी है। कई बार होता है ना हमें कॉपी करनी पड़ती है, तो किस फाइल को कॉपी करनी है और कहाँ पे कॉपी करनी है हमें पाथ लेके देना है, वो हमारा कॉपी हो जाएगा। अब मुझे आना है एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा में, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ? सी टी। चलो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैं सी डी करके आता हूँ, सी डी ई कॉलम स्लैश एजाइल स्लैश, एजाइल के अंदर किस माना है मुझे? मनोज के अंदर, और मनोज के अंदर किस माना है मुझे? जावा के अंदर। हम यहाँ पहुँच गए, मैं डी आई आर करके देखता हूँ ये सारे फाइल्स मुझे दिख रहे हैं। ये जितने फाइल आ रहे हैं ना बेकार में मैंने डाल दिया था, गलती हो गई थी मेरे से। अच्छा ये फाइल तो बेकार डाल दिया था, इस फाइल को मैं हटा पे देता हूँ। तो फाइल को हटाओगे कैसे? तो डिलीट करने के लिए होता है यहाँ पर डेल, डेल ए डॉट सिक्वल। कहानी खत्म हो गई जी सर। अब जाके देखो यहाँ पे ए डॉट सिक्वल आपको नहीं मिलेगा। और यदि मुझे पूरा का पूरा फाइल ही ख़त्म करनी है, मैं डायरेक्टरी को क्लीन करना चाहता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ स्टार डॉट स्टार। कहानी खत्म। आर यू श्योर? यस बिल्कुल श्योर है भाई, सारी कहानी खत्म हो गई। डी आई आर करो, अब कुछ नहीं बचा वहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डेल करके हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करके फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं, स्टार लगा के, मतलब हम स्टार को यदि तरीके से यूज करें तो बहुत सारा काम हमारा शॉर्टकट जो है हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई सी डी एम डी कॉपी डेल डी आई आर। अब मुझे मान लो यहाँ पे क्या करना है, मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे हूँ? एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा में हूँ। यहाँ से बैठ के मुझे संतोष के अंदर जो पाइथन फोल्डर था उसके फाइल्स को देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा? मुझे यहाँ से बैठ के संतोष के अंदर जो हमारा पाइथन फोल्डर था उसको देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डी आई आर, डी आई आर, और कहाँ से देखना है? तो ई कॉलन स्लैश एजाइल स्लैश संतोष स्लैश, संतोष के अंदर पाइथन फोल्डर था, पाइथन स्लैश। अभी मैं एंटर कर दूँ, ये देखो इसने मुझे वो सारे फाइल दिखा दिए जो ई ड्राइव के अंदर है। कहाँ पे? एजाइल के अंदर, संतोष के अंदर, पाइथन के अंदर। आप जरा गौर से देखो, अभी मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी कहाँ पे है? एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा के अंदर है। लेकिन यहाँ से बैठ के मैं दूसरे फोल्डर के फाइल्स को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टरी कमांड का यूज करके लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है। सी डी एम डी करके हम डायरेक्टरी में बना सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, कई बार हमें छोटा सा फाइल बनाना होता है, कई बार हमें बोलना होता है कि यार एक काम करो, एक फाइल बना लो, फाइल के अंदर 10 रिकॉर्ड डाल दो, फाइल के अंदर आप एक काम करो कुछ नेम की एंट्री कर दो। तो तुम लोग क्या करते हो, नोट पैड ओपन करते हो, फिर नोट पैड के अंदर जाके फाइल बनाते हो। बड़ा आसान सा काम है फाइल बनाना। मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ कॉपी कॉन ए डॉट टी एक्स टी। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो लिख दो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संतोष द ग्रेट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ राकेश
अच्छा महाग्रेट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुभम हैप्पी बर्थडे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूरज द महान, डाल दिया, जितना लिखना है लिख दो, कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड, सेव करने के लिए होता है कंट्रोल जेड और सेव नहीं करने के लिए होता है कंट्रोल सी, कहीं पे भी प्रोसेस ब्रेक करना हो कंट्रोल सी, कहीं भी फंस गए हो कंट्रोल सी, कमांड प्रॉम्प्ट पे हो कुछ हो नहीं रहा है कंट्रोल सी, और जब सेव करना हो तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल जेड, ये फाइल बन गया सर। अब आप यहाँ पर DIR करके देखो, हमारे पास ये फाइल बन के आ गई होगी a.txt। मैंने इसको बनाने के लिए किसी नोटपैड की यूज़ नहीं करा, मैंने कॉपी कॉन कमांड होता है कॉपी कॉन a.txt, अब मैंने यहाँ पे a.txt करके एक फाइल बना दिया और इस फाइल के अंदर ये हमारा डेटा आ गया, ये फाइल मुझे दिख रहा है। अब मुझे ये देखना है यार इस फाइल के अंदर लिखा क्या गया है, आपने क्या लिखा है इस फाइल के अंदर, आपने लिख क्या रखा है, तो मैं देखूंगा कैसे। तो या तो मैं इसे नोटपैड में जाके ओपन करूंगा देसी स्टाइल में, या फिर मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ टाइप a.txt, ये मुझे बता देगा इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये मुझे बता रहा है इस फाइल के अंदर आपने क्या लिख रखा है, इस फाइल के अंदर ये तमाम बड़ी बड़ी बातें हमने लिख रखी है टाइप a.txt, और ये मुझे दिखा रहा है कि हमारा कौन सा फाइल है। तो मैंने आपको बता दिया कि फाइल बनाना हो कैसे, इवन आप मतलब कई बार हम यहाँ पर फाइल बनाते हैं तो एक तो कमांड होता है कॉपी कॉन, एक कमांड होता है कि भाई आप यहाँ पर सीधे नोटपैड यूज कर लो, नोटपैड b.txt, इट विल ओपन द नोटपैड, नोटपैड खुल जाएगा। ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड द b.txt फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल, यस, और यहाँ पर अब आप जो भी लिखना है लिख दो और फाइल को सेव कर दो। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, बस हो गया जी। अब मैं DIR करके देखूँ तो यहाँ पे हमारा फाइल बन गया b.txt। तो हम नोटपैड को डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे यदि मैं DIR करके देखूँ तो नोटपैड करके तो कुछ भी नहीं है। तो जब मैं ये नोटपैड लिख रहा हूँ तो ये नोटपैड आ कहाँ से रहा है, ये notepad.exe करके कोई ना कोई फाइल तो होगी तभी तो वो रन कर रहा है, तो ये नोटपैड आ कहाँ से रहा है। अब मुझे ये समझना है पाथ को हम सेट कैसे करते हैं। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया ये हमारा फाइल आ रहा है यहाँ पे। एक तो होता है मैंने आपको बताया कॉपी कॉन करके फाइल बना लो, नोटपैड करके बना लो, अदरवाइज तुम ऐसे भी लिख सकते हो edit c.txt, एडिट करके भी तुम यहाँ पे फाइल बना सकते हो। अच्छा एडिट नहीं चलता है इसमें, गुड, बहुत अच्छा, ये विंडोज 10 है इसमें एडिट नहीं चल रहा है, लेकिन जो पुराने विंडोज वगैरह होंगे उसमें एडिट चलेगा। और भी कमांड होते हैं, एक कमांड होता है एडलिन a.txt, देखो ये चलता है या नहीं, ये भी नहीं चलता है, अच्छी बात है। तो ये बातें मुझे समझ में आ गई कि पाथ मतलब आप डायरेक्टरी कैसे बनाओगे, मतलब फोल्डर कैसे बनाओगे, डायरेक्टरीज के अंदर कैसे जाओगे। डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होता है उसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाते हैं। डायरेक्टरीज के अंदर आप फाइल कैसे बनाओगे, डायरेक्टरीज के अंदर फोल्डर कैसे बनाओगे, डिलीट कैसे करोगे, लिस्ट कैसे देखोगे। अच्छा अब आ जाओ कुछ चीज़ों को समझो। हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैच फाइल। क्या बोलते हैं, बैच फाइल। अब ये बैच फाइल क्या होता है, देखो इस दुनिया में तीन ही फाइल जो होती हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। एक होता है .exe, आप लोग लिखते हो नोटपैड और वो रन कर जाता है, क्यों, क्योंकि किसी बंधु ने notepad.exe करके फाइल बना के रख दिया है। तुम लोग सी में प्रोग्राम बनाते हो, exe फाइल बनती है ना, तो जो हमारा exe फाइल होता है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। तो एक हमारा होता है .exe फाइल जो कि एग्जीक्यूटेबल होता है, एक होता है हमारा .com फाइल, ये भी एग्जीक्यूटेबल होता है, और एक होता हमारा .batch फाइल, .batch। तो इस कंप्यूटर्स के अंदर ये तीन फाइल जो होते हैं ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या है, मैं यदि डबल क्लिक कर दूं तो वो रन कर जाएगा। कौन कौन सी फाइल, एक होती है .exe, एक होता है .com और एक होता है .batch। तुम लिखते हो नोटपैड और वो रन कर जाता है, क्यों रन कर जाता है। तुम लिखते हो cmd, वो रन कर जाता है, क्यों, क्योंकि cmd.exe करके एक फाइल बनी हुई है, notepad.exe करके एक फाइल बनी हुई है। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ calc, मैं यहाँ पे लिखता हूँ calc, अब ये कैलकुलेटर को खोल के ला देगा। अब ये क्यों कैलकुलेटर को खोल कर ला रहा है, कहाँ से आ गया ये calc, क्योंकि calc.exe करके एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तभी आप उसे कॉल कर पा रहे हो। तो यही तीन फाइल्स जो होती हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, .exe फाइल, .com फाइल, .batch फाइल। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना कि कौन कौन से ऐसी फाइल्स होती हैं जो एग्जीक्यूटेबल होती हैं, तो ये तीन फाइल होता है।
सामने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है इसका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे फास्ट कौन होता है, सबसे फास्ट कौन होता है, पहले कौन फिर बाद में कौन, सबसे तेज चलता है .com, फिर चलता है .exe और फिर चलता है .bat। अब ये देखो .com और .exe ये तो हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग कहानी है इसकी, ये बनता है। ये जो .bat फाइल है इसको समझना जरूरी है, अच्छी चीज़ है ये। ये .batch का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट ए बैच फाइल, हम बैच फाइल की बात कर रहे हैं। बैच फाइल कुछ भी नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड होता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड होता है। अभी तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जानते नहीं हो, जैसे आप MongoDB वगैरह के अंदर जाओगे तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि MongoDB को स्टार्ट करना है तो MongoDB.batch करके एक फाइल है उस पर क्लिक कर दो, तुम्हारा वो MongoDB ओपन हो जाएगा। तो बच्चे वहाँ पूछते हैं सर ये बैच फाइल होता क्या है, या MongoDB. पूछते भी नहीं है भाई उनको, अच्छा ठीक है भाई रन कर रहा है चलो, रन करने में खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें हर एक बारीकियों को समझना होता है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा काम केवल ये नहीं होता कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेयर करें, हमें हम जो लिख रहे हैं हर एक चीज़ की बारीकियों को समझना जरूरी होता है। जो एरर मैसेज आ रही हैं उनकी बारीकियों को भी समझना जरूरी होता है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारा जो पूरी जिंदगी होता है हमें इस बात पे काम करना पड़ता है। बेसिकली देखो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं होते हैं, हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर होते हैं। हमारा काम है हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, हमारा काम ये नहीं है कि हम प्रोग्राम को रन कर दें। प्रोग्राम रन तो हम सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनेंगे कब, जब हमें छोटी छोटी बारीकियों का पता हो। हर एक चीज़ का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर। ये अक्सर लोग बोलते हैं एरर आ गई, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब कोई एरर आती है। क्यों? क्योंकि मैं उस एरर को फिर गूगल में सर्च करता हूँ, पता नहीं होता तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। अब बिलीव मी जिंदगी में फिर दूसरी बार वो एरर नहीं आती है, यदि आती है तो मुझे पता होता है कि उस एरर का मतलब क्या है, ये क्यों आ रहा है। यदि एरर आती है यू आर द लकीएस्ट पर्सन, लेकिन आप लकीएस्ट तभी हो जब आप एरर को एनालाइज करते हो। आपका कोड यदि रन कर रहा है, सीधा आपने लिखा और आपका कोड रन कर दिया, कर गया, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप बहुत लकी लोग नहीं हो कि आपका कोड रन कर रहा है। आप लकी तभी हो जब आपका कोड में एरर आ जाए, और उससे ज़्यादा लकी आप तब हो जब उस एरर को रिकॉग्नाइज कर लो, और उससे ज़्यादा लकी आप तब हो जब उस एरर को रिकॉग्नाइज करके उसको सही करके अपने प्रोग्राम को रन कर लो। यहाँ पे आपने तीन चीज़ों को सीखा। यदि आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आ रही है तब आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। आपने तो टाइप करी, प्रोग्राम रन कर गया, आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। तो याद रखना एज ए प्रोग्रामर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी चीज़ों को हम समझें। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं ये बैच फाइल का मतलब क्या होता है। बैच फाइल का पहला मतलब ये होता है उसका एक्सटेंशन होगा .bat, और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड, तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे कमांड होंगे। चलो हम डाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं नोटपैड में भी बैच फाइल बना सकता हूँ, नहीं तो मैं कॉपी कॉन करके भी बना सकता हूँ। अभी मैंने बताया था फाइल कैसे बनता है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉपी कॉन a.bat, या मैं यहाँ बोलता हूँ santosh.bat। मैंने यहाँ पे बोल दिया कॉपी कॉन santosh.bat, मैंने यहाँ पे ये बोल दिया, अच्छी बात है। अब आप यहाँ पे अपने कमांड डाल दो। मुझे यार डायरेक्टरी देखनी है सबसे पहले, तो डायरेक्टरी देखने के बाद यार मुझे एक काम करना है, जितने भी वहाँ पर फाइल है ना सबको डिलीट कर देना है भाई, बहुत टेंशन हो रहा है। डिलीट कर दिया जी। और क्या करना है यार, एक काम कर डेट भी देख ले, डेट कौन सा है। और एक काम करो, और क्या काम करना है, एक काम कर यार फिर से ना टाइम भी देख लो कि टाइम क्या हो रहा है। ये सारे विंडोज़ के कमांड होते हैं। अब इसके बाद एक काम करो, डेट टाइम वगैरह तो देख लिया, फिर एक काम कर लो ये वर्सन देखना है विंडोज़ का, वो भी देख लो। अब जरा गौर से देखो, मैंने कई सारे कमांड यहाँ पर डाल दिए, dir डाल दिया, del डाल दिया, date डाल दिया, time डाल दिया, word डाल दिया, कई सारे कमांड डाल दिए। नोटपैड में भी हम डाल सकते थे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फाइल का नाम क्या है, .bat। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, अब ये फाइल हमारा यहाँ पे सेव हो गया, हो गया सेव। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ संतोष। अब जैसे ही मैं संतोष लिखूंगा, मैं नाम दूंगा, तो ये फाइल हमारा रन कर जाएगा। देखो सबसे पहले इसने डायरेक्टरी निकाल के दे दिया, देखो dir कमांड चला, डायरेक्टरी निकाल के दे दिया। उसके बाद इसने क्या कर दिया, सारे फाइल को डिलीट करने के लिए पूछ रहा है मेरे से। अब ये लाइन चल रहा है मेरा, बोला है भाई डिलीट करना है, हम बोल देते नहीं यार गलती हो गई, नो। अब ये बोला है, ये हमारा डेट कमांड चल रहा है, डेट। अब डेट बोला है जी करेंट डेट ही है, चेंज वगैरह करना है क्या? नहीं करना जी मुझे चेंज, ये हमारा टाइम है, चेंज करना है नहीं करना, हमारा विंडोज़ का जो वर्सन है वो हमारा ये है। इस तरह से हम विंडोज़ का वर्सन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही फाइल के अंदर ये सारा काम कर दिया और ये सब हमारा यहाँ पे रन कर गया। तो इसको हम बोलते हैं बैच फाइल। तो बैच फाइल को जब भी रन करना हो
तो आप कैसे रन करोगे, अपना बैच फाइल का नाम दे दो, वो रन कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अभी जो तुम्हारा ये बैच फाइल बना है ये कहाँ पे बना है? आपकी जो बैच फाइल बनी है एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा के अंदर बना है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं संतोष के अंदर आ जाता हूँ, संतोष के अंदर पाइथन में चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सीडी, मुझे कहाँ जाना है? तो इन कॉलन स्लैश एजाइल के अंदर जो मैंने संतोष फोल्डर बनाया था, और संतोष फोल्डर के अंदर जो पाइथन फोल्डर बनाया था, इस पाइथन फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ संतोष। इससे पहले संतोष तो हमारा रन कर रहा था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ संतोष। क्या ये रन कर रहा है? नहीं कर रहा है। पर वो मैसेज क्या रहा है? वी आर गेटिंग द मैसेज। याद रखना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि जब कभी भी एरर आता हो तो यू नीड टू एनालाइज द एरर, कि एरर का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे बोला संतोष इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अच्छा जी, ये संतोष को पहचान ही नहीं पा रहा, ये है कौन? क्यों पहचानेगा, छोटा इंसान है भैया, नहीं पहचानता है। अब देखो, संतोष इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। देखो, हमारे विंडोज के अंदर दो तरह के कमांड होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं CLS, अब देखो ये CLS रन कर रहा है ना। CLS को रन करने के लिए किसी फाइल की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ DIR, अब ये DIR रन कर रहा है ना, DIR को रन करने के लिए किसी फाइल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कमांड हैं command.com के अंदर होती हैं। command.com करके हमारा फाइल होता है, उसके अंदर ये सारी कमांड ऑलरेडी सेव हैं। तो वैसी कमांड जो command.com के अंदर सेव हैं, अब ये command.com क्या होता है? याद रखना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सही से काम करवाने के लिए हमारे पास command.com होता है। जैसे यूनिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा सेल एंड कर्नल, वहाँ पे सेल होता है, कर्नल होता है। यहाँ पे भी हमारे पास कई सारे सिस्टम फाइल्स होते हैं, उसमें एक फाइल होता है command.com। तो ये जो हमारी इंटरनल कमांड है command.com के अंदर अवेलेबल। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जब मैं यहाँ पे संतोष लिख रहा हूँ तो ये रन नहीं कर रहा है, इससे पहले रन कर रहा था, और जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि संतोष इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल कमांड। इंटरनल का मतलब होता है कि संतोष जो है हमारा command.com के अंदर भी डिफाइन नहीं है। और एक्सटर्नल कमांड या ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। ऑपरेबल प्रोग्राम का मतलब कोई .exe करके भी फाइल नहीं है संतोष के नाम से, और बैच फाइल मतलब संतोष.batch करके भी कोई फाइल नहीं है। हकीकत है, यदि मैं यहाँ पे DIR करके देखूँ तो मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे संतोष.batch करके कोई फाइल तो है नहीं, तो वो रन कहाँ से करेगा? लेकिन तुम्हें याद है कि संतोष.batch जो मैंने फाइल बनाया था, मैंने कहाँ पर बनाया था? मैंने ई ड्राइव के अंदर, एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा में बनाया था। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ /agile/santosh/, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनोज के अंदर जावा था तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनोज/, और मनोज के अंदर मैं लिखता हूँ java/, और हमारे फाइल का नाम क्या था? santosh.bat। ओ, कहाँ पे बनाया था मैंने? हाँ, मनोज के अंदर, जावा के अंदर बनाया था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ संतोष, देखो ये रन कर रहा है। आप जरा गौर से देखो, मैंने जैसे उसको पाथ दे दिया, रास्ता बता दिया कि भाई ये काम कर, संतोष यहाँ नहीं है, तू सीधा एक काम कर, यहाँ से बिजनौर चला जा, बिजनौर से आगरा चला जाना, आगरा से मेरठ चले जाना, और यहाँ पे तुम्हें संतोष जी मिल जाएंगे। अब ये भाई साहब यहाँ मिल गए, और यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि भाई ठीक है, आर यू श्योर? हाँ जी, बिल्कुल श्योर है भाई, मत करिए, डिलीट रहने दे, बहुत मेहनत लगता है फाइल बनाने में, डेट देख लो, टाइम देख लो, दैट्स गुड। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब मैं संतोष लिख रहा था, काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि संतोष इज अवेलेबल within the Agile, within the Manoj, within the Java। जो संतोष है वो हमारा Agile के अंदर, Manoj के अंदर, संतोष के अंदर है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसका तरीका निकाल लिया, मैंने यहाँ पे केवल संतोष ना लिख के मैंने यहाँ पे लिख दिया /agile/manoj/java/santosh। लेकिन यार एक बात बताओ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना, बार बार मैं इतना लंबा लंबा पाथ लिख रहा हूँ, ई कॉलन के अंदर, ई के अंदर जाओ, ई के अंदर Agile में जाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पाथ को, मैं यहाँ पे पाथ सेट करना चाहता हूँ, मैं पाथ सेट कर देता हूँ। तो मैं पाथ सेट कैसे करूँ? अब मैं आता हूँ पाथ के ऊपर। पाथ का मतलब क्या है? रास्ता बताना। इसका मतलब जब कभी भी मैं यहाँ पे संतोष लिखूँ तो संतोष को इस फोल्डर में तो सर्च करेगा, इस फोल्डर के अलावा ये संतोष को उस फोल्डर में भी सर्च करेगा जहाँ पे वो अवेलेबल है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे पाथ सेट करनी होगी। तो हम लोग पाथ कैसे सेट करते हैं, ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पे बोलते हैं सेट पाथ इज इक्वल टू,
अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ सेट पाथ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बोलता हूँ पाथ, अब मैं यहाँ पर पाथ दे रहा हूँ। अब पाथ के अंदर मुझे क्या करना है, अभी देखो अभी मैं सिंपल अभी यहाँ पर पाथ लिखूँ तो पाथ में मेरे ये सारी चीज़ें आ रही है। आप जरा गौर से देखो ये सारी पाथ आ रही है, और ये पाथ कहाँ से आ रही है आपको पता है? ये जो पाथ यहाँ पे निकल के आ रही है, ये पाथ यहाँ से आ रही है, जो तुम लोग करते हो ना पाथ जब भी सेट, तुम लोग तो एडवांस यूजर हो, यहाँ से जाके करते हो, प्रॉपर्टीज में आते हो, फिर तुम यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाते हो, फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद एनवायरमेंट वेरिएबल में जाते हो, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद यहाँ पे आप पाथ सेट करते हो। ये देखो ये जो हमारा पाथ है, ये जो पाथ तुम यहाँ पे देख रहे हो, यही वाला पाथ हमारा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। ये देखो यही पाथ हमारा यहाँ पे भी निकल के आ रहा है, ये हमारा पाथ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पाथ के साथ अपना भी पाथ जोड़ देता हूँ। भाई हमें क्या चाहिए कि जब कभी मैं संतोष लिखूँ तो वो बाय डिफॉल्ट जो है एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा के अंदर भी जाके सर्च कर ले। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, सेट पाथ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेट पाथ इज इक्वल टू। अब मुझे क्या करना है, ये जो पुराना पाथ आ रहा है, इस पुराने पाथ के साथ ही मुझे अपना पाथ जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ परसेंटाइल, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाथ, अब मैं यहाँ बोलता हूँ परसेंटाइल सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, और मैं यहाँ पे अपना वाला पाथ जोड़ देता हूँ। और मेरा पाथ कहाँ पे था, ई के अंदर, एजाइल के अंदर, कहाँ पे था, मनोज के अंदर, और कहाँ था, जावा। डाल दिया, एंटर कर दिया। अब आपने यहाँ पे पाथ सेट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या पाथ कर दिया, मैंने यहाँ पे बोला सेट पाथ इज इक्वल टू परसेंटाइल पाथ परसेंटाइल, इसका मतलब जो पुराना पाथ है, पुराने पाथ के अंदर मैंने यहाँ पे ई के अंदर, एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा पाथ यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब एक बार देखना जरा ये पाथ कमांड, ये देखो ये यहाँ पे सेट होके आ गया। ये देखो पहले ये यहाँ पे नहीं था ना, पहले यहाँ पे नहीं था ना। तो जिस पाथ को सेट करने के लिए तुम लोग माई कंप्यूटर में जाते हो, एडवांस सेटिंग में जाते हो, कुछ मत करो भाई, एक लाइन का कमांड है ये छोड़ दो। तो आज के बाद मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें पाइथन में पाथ सेट करना हो या कहीं भी पाथ सेट करना हो तो तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, माई कंप्यूटर्स में, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, ये सब में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अपना पाथ सेट कर दो। अब देखो मैंने यहाँ पर पाथ सेट कर दिया, बोलोगे सर इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा है ना बॉस, अब लिखना संतोष। अब जैसे मैं संतोष लिख रहा हूँ तो गौर करो, वो जो बैच फाइल मैंने बनाया था ई के अंदर, एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा के अंदर, वो बैच फाइल यहाँ पे रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है, क्योंकि तुमने पाथ सेट कर दिया था। पाथ सेट का मतलब, अब जब जैसे तुमने संतोष लिखा तो इसने इसे तमाम पाथ पे सर्च कर लिया, मतलब सबसे पहले वो क्या करता है, जो हमारा लोकल डायरेक्टरी होता है, लोकल डायरेक्टरी में सर्च करता है कि वो फाइल अवेलेबल है या नहीं है। यदि वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद क्या करता है, जितने भी तुम्हारे पाथ हैं उन पाथ में उसको सर्च करता है, और सर्च करने के बाद आपको रिजल्ट देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे संतोष लिखा तो उसको संतोष डॉट बैच फाइल मिल गया, कहाँ पे मिल गया, तो वो उसको ई के अंदर, एजाइल के अंदर, मनोज के अंदर, जावा के अंदर, ये उसको पाथ सेट मिल गया। समझ में आई बात? तो मेरे कहने का मतलब ये हमारा यहाँ पे पाथ की सेटिंग होती है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाथ को सेट करते हैं। समझ में आया? ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी भी। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MongoDB, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MongoDB, अब ये MongoDB मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये एरर देता है देखो। अब ये बोल रहा है जी MongoDB इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये भाई साहब ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि MongoDB जो है ये हमारा अवेलेबल है सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, यहाँ पे देखो प्रोग्राम फाइल के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर है MongoDB, MongoDB के अंदर हमारा फोल्डर है सर्वर बीन, और यहाँ पे बीन के अंदर ये फाइल है, देखो ये हमारा फाइल है MongoDB.batch, ये देखो ये फाइल। अब ये फाइल यहाँ पे है और मैं उसे वहाँ सर्च कर रहा हूँ तो कहाँ मिलेगा, ये पाथ में सेट ही नहीं है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस पाथ को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो पाथ है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो पाथ को कॉपी करने का दो तरीका है, या तो यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, या फिर इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आ जाओ और यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी, और कॉपी कर लो। समझ में आई बात? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेट पाथ इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ परसेंटाइल पाथ परसेंटाइल सेमी कॉलन, यानी कि जो पाथ है वो तो रहेगा ही, साथ के साथ मैं ये भी सेट कर देता हूँ सी कॉलन स्लैश प्रोग्राम फाइल स्लैश MongoDB सर्वर 4.2/bin। कर दिया जी।
अब यहाँ पे पाथ सेट, पाथ देख लो, ये देखो ये भी पाथ यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ MongoDB, अब ये बिंदास रन कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, चेक कर लो, ये MongoDB नहीं है, MongoDB है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे MongoDB लिखता हूँ, ये देखो जी सर रन कर गया, सर्वर स्टार्ट हो गया MongoDB का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी हम पाथ सेट कर सकते हैं। अब जैसे तुम लोग बोल रहे थे सर पिप काम नहीं कर रहा है, अब देखो ध्यान से समझो पाइथन के क्रॉसपॉन्डिंग इन चीजों का यूज कैसे करेंगे। अब जैसे तुम लोग बोलते हो सर पिप काम नहीं कर रहा है, सबसे पहले आप ये देखो आपका पाइथन है कहां पे। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं यहां पर आता हूं, मैं लिखता हूं IDLE, जरा गौर से देखो तुम लोग, ये हमारा IDLE आ रहा है, जैसे मैंने IDLE लिखा आ गया। मुझे ये पता करना है कि IDLE जो है ये है कहां पे, तो मैं यहां पे करता हूं राइट क्लिक, मैं यहां पे करता हूं ओपन फाइल लोकेशन, तो मुझे ये फाइल के लोकेशन में भेज देता है। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा ये है उसका लोकेशन, जी नहीं ये इसका लोकेशन नहीं है, ये शॉर्टकट है, जरा गौर से देखो लिखा हुआ है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है। अब मुझे इसके ओरिजिनल लोकेशन में जाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं राइट क्लिक ओपन फाइल लोकेशन, ये देखो ये इसका ओरिजिनल लोकेशन है, सी के अंदर पाइथन 3764 यहां पे हमारा पाइथन का फाइल अवेलेबल है, ये इसका ओरिजिनल लोकेशन। अब देखो मेरे पास यहां पे दो फोल्डर हैं जिसका जब कभी भी तुम पाइथन में काम करते हो तो एक तो तुम्हारा ये पाइथन का पाथ सेट होना चाहिए, ये वाला देखो जो तुम पाइथन लिखते हो यहीं से तो रन करता है वो, ये देखो पाइथन यहां पे हमारा ये एक्सी फाइल है ना जो रन करता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो तुम लोग पिप वगैरह सर्च करते हो वो सारा फाइल यहां पे होता है स्क्रिप्ट के अंदर, ये देखो ये देख रहे हो स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ होता है यहां पे, ये देखो यहां पे पिप वगैरह सब है। तो इसका मतलब आपकी जो समस्या आ रही थी उस समस्या का समाधान क्या है कि ये वाला पाथ आप सेट कर दो, पहला चीज, और दूसरा पाथ कौन सा सेट करोगे, ये वाला पाथ सेट करोगे। तो मैं इस वाले पाथ को कॉपी कर लेता हूं, इस वाले पाथ को मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं, और मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा सेट पाथ, मैं यहां पे बोलता हूं सेट पाथ, सेट पाथ इज इक्वल टू परसेंटाइल पाथ सेमी कॉलन, और यहां पे ये डाल देता हूं सेमी कॉलन। अब मुझे यहां पे दूसरा पाथ लेना है, कौन सा, स्क्रिप्ट का भी लेना है, तो स्क्रिप्ट का पाथ भी कॉपी कर लो। तो ये जो आपकी पिप वाली प्रॉब्लम आ रही थी, अब ये प्रॉब्लम आपकी यहां से सॉल्व हो जाएगी, ये देखो अब मैं बोलता हूं पिप, अब ये काम कर रहा है, अब ये करेगा अपना जो भी मैसेज वगैरह देना होगा बेचारा देगा, ये देखो कई सारे मैसेज यहां पे निकल के आ गए। तो मेरे कहने का मतलब दिस इज हाउ वी कैन सेट द पाथ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाथ आप सेट कैसे करोगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाथ को सेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएं सेट पाथ इज इक्वल टू, और ये हमारा यहाँ पे पाथ आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप काम करते हो तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखा करो, तो पाथ का क्या सेटिंग है। कभी भी यदि मैसेज आ रहा है कि फाइल नहीं मिल रहा है तो ये समझ लो पाथ की प्रॉब्लम है। तुम पाइथन लिख रहे हो अब यहाँ पे पाइथन नहीं चल रहा है, मतलब पाथ की प्रॉब्लम है। तुम यहाँ पे पिप लिख रहे हो, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ये लिखा नहीं और एरर आ रही, ये जो एरर आता है ना ये सिर्फ और सिर्फ पाथ के कारण होता है। और आज के बाद तुम्हें यदि पाथ सेट करना हो तो पाथ सेट करने के लिए एक तो तरीका ये है जो मैंने अभी आपको बताया था, दूसरा तरीका मैं यहाँ पर बता देता हूँ, तुम्हारे पास भी अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आ जाएं, अब प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आ जाएं, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल, और एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पर जाने के बाद ये देखो यहाँ पर दो चीज़ें, एक है यूजर वेरिएबल और एक होता है सिस्टम वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर पाथ में आता हूँ सिस्टम वेरिएबल्स में, मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा के डाल दूंगा। लेकिन बॉस मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा, आप यहाँ पर पाथ ना डालें, जो भी आपको यहाँ पर पाथ डालना हो आप यहाँ पर कहाँ डालें, आराम से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अपना ये एक लाइन का कमांड है ये करके यहाँ पे पाथ अगर आप सेट कर लें आपका सारा काम हो जाएगा। यही चीजें मुझे बतानी थी जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। एक चीज और, कई बार क्या होता है कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक काम करो एक फाइल बना लो, मैं बोलता हूं कि आप एक काम करो एक फाइल बना लो a.py के नाम से, मैं बोलता हूं कि आप एक फाइल बना लो a.py के नाम से, तो बंधु लोग क्या करते हैं नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड में अपना जो भी लिखना होता है लिखते हैं और फिर फाइल में आते हैं यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे वो सेव करते हैं a.py, बड़े खुश हो जाते हैं जी a.py के नाम से फाइल बना दिया। अब आप यहाँ पे जरा गौर से देखो ये a.py नहीं बना बॉस, ये txt फाइल बन गया। यदि मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे
मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊं तो यहाँ पे देखो, ये हमारा यहाँ पे डिटेल्स में मैं आऊं, चलो अभी चूंकि हमारा वहाँ पे सेटिंग चेंज है तो इसने पाई फाइल ही बनाया है, लेकिन कई बार हमें याद रखना नोटपैड के अंदर कभी भी, और वैसे भी कभी भी, कोई जरूरी नहीं है नोटपैड के अंदर, कहीं भी यदि तुम्हें फाइल सेव करना हो तो बस मेरी एक बात याद रखना, एक सलाह याद रखना कि कभी भी फाइल सेव करते हो तो डबल कोटेशन के अंदर में सेव किया करो। कभी भी फाइल सेव करते हो, कुछ भी डालना हो फाइल का नाम, ए डॉट डॉक, बी डॉट डॉक, ए डॉट एक्सएलएस, तो आप जब भी फाइल बनाएं तो कहां पर बनाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर डालेंगे। यदि मान लो मुझे फाइल को सेव करना है कहां पे, संतोष के अंदर, एजाइल के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जाता हूं ई के अंदर, कौन सा फोल्डर बनाया था आपने, एजाइल, एजाइल के अंदर आपने संतोष बनाया था, संतोष के अंदर पाइथन बनाया था, यहां सेव करना है मुझे, तो मैं इस लोकेशन में पहुंच जाऊंगा और अपने फाइल को सेव करूंगा। ये होता है फाइल को सेव करने का तरीका। तो ये जो बेसिक चीजें हैं इनको आप जरूर याद रखें, और इन चीजों से थोड़ी सी आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएंगे, मतलब काम करने में परेशानी नहीं आएगी, ये जो पाथ वगैरह की छोटी छोटी परेशानियां होती हैं ये दूर हो जाएंगी, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज और देखो, कई बार मैं, बड़ा कॉमन सा चीज होता है, मैं बोलता हूँ कि भाई हमारा ये नोट पैड है, मान लो मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक काम करो नोट पैड ओपन कर लो। अब नोट पैड ओपन करना बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है, कुछ मत करो यार, यहाँ पे नोट पैड लिखो, अपना नोट पैड ओपन कर लो, हो गया। दूसरी चीज, मैं बोलता हूँ एक काम कर नोट पैड को बंद करो, लोग माउस लेके खोजते रहते हैं यहाँ पे, अरे भाई अल्ट एफ फोर कर दो माउस, ये बंद हो गया। नोट पैड ओपन करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे नोट पैड लिखता हूँ, यहाँ पे नोट पैड हमारा खुल गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये लिखा, अब मैं बोलता हूँ एक काम करो सारे को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, और मुझे इसे पेस्ट करना है, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं बोलता हूँ एक काम करो शुरू में चले जाओ, तो लोग शुरू में कैसे आते हैं, एक एक करके आते हैं, अरे भाई यहाँ पे होम प्रेस कर दो, आ गया। मैं बोलता हूँ कि एक काम करो लास्ट में चले जाओ, एंड कर दो, आ गया। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट कॉपी कर लो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी हो गई। मैं यहाँ पर, तो ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी चीज़ें, इसको भी याद रखना जरूरी होता है। यदि मान लो मैं बोलता हूँ एक काम करो इसको मैक्सिमाइज करो, ऑल्ट स्पेस एक्स, ऑल्ट स्पेस एक्स, मैं बोलता हूँ इसको क्लोज करो, ऑल्ट एफ फोर, सेव करना है। ये देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं हॉट की, ये हॉट की है, सेव करना है नहीं करना है जी, एंड कर दो, हो गया। इस तरीके से हम लोग चीजों को लेके काम करते हैं, ये बड़े बेसिक कमांड है और बड़ी जेन्यून रिक्वायरमेंट होती है सभी लोगों की, तो जरा आपको इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना है कि आप इन चीजों को यूज कैसे करेंगे। समझ में आई भाई बंधुओं?